डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन के रिश्तों में आई खटास धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने मंगलवार को बताया कि दोनों देशों के बीच हर साल होने वाला हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास फिर शुरू होगा। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि चीन अर्थव्यवस्था के साथ साथ सेना पर खर्च करना नहीं भूला और यही वजह है कि आज वो अमेरिका को चुनौती दे पा रहा है। चीन के साथ ही सैन्य अभ्यास के बारे में जानकारी देते हुए बिपिन रावत ने कहा, हर साल दोनों देशों की सेनाओं के बीच होने वाला हैंड इन हैंड अभ्यास पिछले साल स्थगित हो गया था, अब अभ्यास फिर पटरी पर है। डोकलाम विवाद के बाद चीन के साथ मिलिट्री डिप्लोमेसी कामयाब रही, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ वक्त बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण चीन दौरे पर जा रही हैं, इस दौरान वहां डोकलाम मुद्दे को लेकर बात होगी। इसके साथ ही जनरल रावत ने चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त भारत की तरफ देख रही है। रावत ने जोर देते हुए कहा कि भारत को एक ऐसा देश बनना चाहिए जो चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस कर सके।